हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट के इंग्लिश। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 5, जिसमें पोएम थी हमारी जू मैनर्स। तो इस पोएम में क्या दिया था कि जब भी हम जू में जाते हैं तो हमें किसी भी एनिमल्स के ऊपर उसके ऊपर मस्ती नहीं करनी है, उसके ऊपर हमें लाफ मतलब हंसना भी नहीं है। ओके, तो इस पोएम में हमने ये सब देखा था, तो आज हम यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। तो जो सही आंसर है वो हमें बॉक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट है डू नॉट मेक फन ऑन द कैमल्स ब्लैंक। तो हमें क्या बताया था पोएम में कि जो कैमल्स के ऊपर हमें कौन सी चीज़ पे मस्ती नहीं करनी थी। तो फर्स्ट उसकी नेक या फिर हम लेग या टेल। यस, हम मतलब जो कैमल के ऊपर जो होता है ना उसके ऊपर हमें फोन मतलब लाफ नहीं करना था, उसको हमें चिढ़ाना, उसके ऊपर हमें हंसना ही नहीं था। ओके, तो आंसर आएगा बी। फिर सेकेंड है द ब्लैंक इज प्राउड ऑफ हिज नोबल बॉन। तो किस एनिमल्स के ऊपर पीठ के ऊपर जो हम्प होता है, मंकी एलिफेंट लायन या कैमल। यस, कैमल। तो आंसर आएगा डी। तो कैमल के ऊपर जो होता है ना हम्प इस तरह की से। यस। फिर थर्ड है डू नॉट लाफ एट द ब्लैंक। तो हमें किसके ऊपर लाफ मतलब हंसना नहीं था, तो चिंपांजी कैमल पेंगुइन या मंकी। पोयम हमें किसके बारे में बताया था कि हमें किसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। यस, चिंपांजी मतलब ए। तो यहाँ पे आएगा ए। फिर नेक्स्ट है द चिंपांजी थिंक्स ही इज अस ब्लैंक अस यू और मी। तो जो चिंपांजी है वो अपने आप को क्या थिंक करता है, ओल्ड क्लेवर वाइज या नाइस। जो चिंपांजी है वो अपने बारे में थिंक करता है कि वो वाइज मतलब एक बुद्धिमान है। ओके, तो रियल में भी चिंपांजी हम बुद्धिमान होते हैं। तो आंसर आएगा सी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी। ओके, फिफ्थ है द ब्लैंक कैन अंडरस्टैंड द रिमैक यू मैक। तो यहाँ पे हमें पोएम में क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा जो एनिमल इनमें से कौन सा एनिमल जो ऐसा है कि वो खुद को इतना समझदार समझता है, कैमल मंकी चिंपांजी या पेंगुइन। जो हम थिंक करते वही वो लोग थिंक करते हैं। यस, पोएम में बताया था कि पेंगुइन। ओके, तो आंसर आएगा डी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर सेकेंड है क्वेश्चन आंसर, जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। ओके, जो यूनिट 5 में पोएम में ये क्वेश्चन हमें दिए है। तो फर्स्ट है व्हाट डू यू सी एट द जू। तो आंसर आएगा कि वी सी एनिमल्स एट द जू। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे वी सी एनिमल्स एट द जू। ओके, तो सेकेंड है व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। तो इसका आंसर आएगा द कैमल हैज हम ऑन इट्स बैक। कैमल हैज हम ऑन इट्स बैक। ओके, फिर है नेक्स्ट हैव यू बीन टू अ जू। तो यस, कि आई हैव बीन टू अ जू।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस आई हैव बीन टू अ ज़ू। फिर है नेम द एनिमल्स विच यू हैव बीन हैव सीन इन अ ज़ू। Say the name in your own language on the and then in English. Okay. तो इसका आंसर आएगा कि I have seen tiger, lion, giraffe, chimpanzee, elephant and monkey in the zoo. Okay. तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर I have seen टाइगर लायन जिराफ चिंपांजी एलिफेंट एंड मंकी in the zoo. Okay. इसके अलावा आपने और कोई भी एनिमल्स देखे तो आप वो भी नेम ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट व्हाई। तो हम लिखेंगे मुझे तो चिंपांजी ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि आई चिंपांजी द मोस्ट बिकॉज इट कैन एक्चुअली लाइक मी। ओके फिर लास्ट क्वेश्चन है डिड यू फिट एनी एनिमल्स एट द ज़ू। स्लॉटेड एनिमल्स तो उसका आंसर आएगा यस आई फिट मंकी एट the zoo. No, we shout never if animals. Okay. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। तो आज हमने यूनिट 5 जो ज़ू मैनर्स थे उसकी हमने एक्सरसाइज देखी। फिर हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये पीछे एक दिया था जो ब्लैंक है अ विजिट टू माय विलेज। तो ये हमने एक बार कर लिया था फिर भी हम एक बार रिवीजन करते हैं। ये जो वी वेंट टू अ तो यहाँ पे आएगा विलेज। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे विलेज वेयर माय ग्रैंडमदर। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड मदर लिव सी हैज अ फार्म ऑन हियर फार्म देयर आर मेनी एनिमल्स देयर आर टू क्या है यस हॉर्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए होंगे ये रहा यहाँ पे लिखेंगे हॉर्सेस। ओके फिर सेकंड है अ ये क्या है यस कैट। तो ऑप्शन में दिया है हमें कैट कैट विथ इट्स उसके बच्चे को क्या कहते हैं किटन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किटन। ओके
की टर्म्स। थ्री, थ्री क्या है? डॉग्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉग्स। फिर है वन, वन क्या है? हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैं। एंड वे अस अ कुक, तो ये क्या है? कुक, तो यहाँ पर लिखेंगे कुक। एंड अ ये क्या है? काउ, तो यहाँ पर लिखेंगे काउ। एवरी मॉर्निंग सी फीड्स हियर एनिमल वी, तो इसे क्या कहते हैं? है H A Y है। और ये क्या है? मिल्क, मिल्क दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ, इसे क्या कहते हैं? पॉन्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन द फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यूनिट 5 की। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 5 की स्टोरी की एक्सरसाइज।